नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार के हरिहंदन न्यूज यूट्यूब चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली प्रदेश में। जी हाँ, यहाँ अनधिकृत कॉलोनियों को पास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धन्यवाद जनसभा का आयोजन किया जा रहा है छावला वार्ड के कुतुब विहार में, जहाँ इस समय यहाँ मौजूद है दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रभारी श्याम जाजू और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से सांसद प्रवेश वर्मा। आप सुन सकते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है। दिल्ली में जो 1731 अनधिकृत कॉलोनियां थी उनको पास किया जा रहा है और यहां दावा किया जा रहा है कि अगले माह से इन कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया जाएगा और मालिकाना हक इनको मिल जाएगा। और दिल्ली में सियासत गर्मा गई है दोस्तों। एक और जहां अरविंद केजरीवाल जी लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने 1.5 साल पहले यह बिल बनाया था और दिल्ली के LG ने इसको रोका है, वहीं अब भाजपा ने इस नहले पर दहला मार दिया है 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करके। आप देख सकते हैं इस समय दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा यहां पर आपको जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं बना सकता, आपकी अनधिकृत कॉलोनी में भारत सरकार का पैसा नहीं लग सकता, MCD का एक भी रुपया नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें केवल दिल्ली सरकार का पैसा लगता है। DSID जो DSIDC डिपार्टमेंट है उसका पैसा लगता है। और आपको मालूम है ये कैसे लगता है? 1996 से पहले कोई भी सरकारी पैसा नहीं लगता था अनाधिकृत कॉलोनी में। जब हाई कोर्ट ने 1996 में ऑर्डर किया था कि दिल्ली की सारी कॉलोनियों के ऊपर में बुलडोजर चला दो, उस समय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, वो हाई कोर्ट में गए थे और आपका वकील बनकर उन्होंने वहां पर 4 घंटा बहस करी और बहस करने के बाद में उन्होंने हाई कोर्ट से ये फैसला करवाया कि दिल्ली सरकार का पैसा अनाधिकृत कॉलोनी में लग सकता है। 1996 के बाद में आपकी कॉलोनी में दिल्ली सरकार का पैसा लगना शुरू हुआ, मगर 2 महीने के बाद में यहां पर भारत सरकार का भी पैसा लग सकता है, DDA का भी लग सकता है, MCD का भी लग सकता है, सांसद निधि भी लग सकती है और दिल्ली सरकार का पैसा भी लग सकता है, क्योंकि अब ये सारी कॉलोनियां पास हो गई है, अब ये सारी कॉलोनियां ऑथोराइज हो गई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं कई बार लोगों से बात कर रहा हूं, लोग कहते हैं कि बिजली का बिल मुफ्त आ रहा है, बिजली मुफ्त में मिलनी शुरू हो गई, पानी तो आपके घरों में लाइन तो है ही नहीं। अभी भी दिल्ली में 5 साल पहले भी टैंकर चलते थे, आज भी 400 टैंकर चलते हैं। सारी अनाधिकृत कॉलोनी में पानी की लाइन नहीं है, मगर केजरीवाल साहब ने कहा कि पानी भी मुफ्त देंगे और बिजली भी मुफ्त देंगे। अब आप मुझे एक बात बताना, अगर दिल्ली की आधी जनता कमाती है और टैक्स देती है और वो टैक्स दिल्ली सरकार को जाता है, और अगर ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए अगले चुनाव में फिर से पार्टियां झूठे वायदे नहीं करने चाहिए, इसलिए आप इस मुद्दे को खत्म कर दो और ये चुनाव के बाद में कभी भी दिल्ली की जनता को अनाधिकृत कॉलोनी के ऊपर में बहकाया नहीं जा सके। 1 महीने के अंदर अंदर आपको सारे अपने मकान के जो कागज है उसका मालिकाना हक आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपके नक्शे पास होंगे। अभी देखने आए हैं कि जो यूपी बिहार के लोग दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी, मगर वो हम सबके प्रधानमंत्री ने सबको अधिकृत कर दिया, ऑथराइज कर दिया,
कि आज के बाद तुम्हें कोई तंग करने नहीं आएगा, आज के बाद में तो बैंक लोन भी देगा, आपको काम करने के लिए पैसे भी मिलेंगे। क्योंकि जब एक आदमी इतनी मुश्किल से मकान बनाता है और वो अपना काम धंधा करना चाहता है, तो आज ये समय आया है कि 40 लाख लोग नहीं रहते दिल्ली में, अनाधिकृत कॉलोनी में। तीनों अपने घोषणा पत्र में कहती थी हम कॉलोनी पास करेंगे। मेरी तो 20 साल से सरकार नहीं है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में 20 सालों से सरकार नहीं है, मगर उसके बाद भी, क्योंकि मेरा देश का प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी है, और वो ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने इस देश के जो 200 साल पुराने मुद्दे थे, इस देश में चुनाव में मुद्दा होता था राम मंदिर बनाएंगे, कांग्रेस अपना वकील कपिल सिब्बल को खड़ा कर देती थी कोर्ट में, वो वहां पर केस को लंबा लटकाता रहता था, मगर इस देश में राम मंदिर कब बना? जब हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना। इस देश में पूरा देश आजाद हो गया था, शहीद भगत सिंह ने शहादत दे दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने शहादत दे दी थी, रानी झांसी लक्ष्मीबाई घोड़े पर बैठकर अपने दूध पीते बच्चे को लेकर अंग्रेजों से लड़ने चली गई थी, ऐसे हमको आजादी मिली थी। मगर जम्मू कश्मीर को आजादी नहीं मिली थी, क्योंकि पूरा देश एक हो गया मगर जम्मू कश्मीर हमसे अलग था। इस देश का युवा, इस देश का नागरिक जब भी ये सोचता था कि कहां घूमने जाए, कभी जम्मू कश्मीर ध्यान नहीं आता था, उसको लगता था वहां पर आतंकवादी उसको गोली का शिकार बना देंगे, कोई जम्मू कश्मीर नहीं जाता था, कोई जम्मू कश्मीर में एक रुपया नहीं लगाता था, क्योंकि अधिकार ही नहीं था, कोई जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था क्योंकि अधिकार नहीं था, कोई कॉलेज नहीं बना सकता था, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता था क्योंकि अधिकार ही नहीं था, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा वहां की रियासत अलग रहेगी, वहां का संविधान अलग रहेगा, वहां का झंडा अलग रहेगा, वहां का निशान अलग रहेगा, वहां का प्रधान अलग रहेगा। अगर वहां का निशान, वहां का प्रधान, वहां का संविधान इस देश को साथ में जोड़ने का किसी ने काम किया तो वो हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वो पाकिस्तान, वहां के आतंकवादी आकर हमारे देश में हमला करते थे, वहां के आतंकवादी, वहां की सेना हमारे सेना के वीर जवानों का सर काट के ले जाते थे, वहां के जो दुश्मन है हमारे वो हमारी छाती पर गोली चलाते थे, मगर कांग्रेस की 10 साल सरकार रही वो चुप बैठी रहती थी। अगर उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का किसी ने काम किया, अगर वहां पर जाकर दो सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और वो क्यों किया नरेंद्र मोदी जी ने? क्योंकि मेरे यहां की कुतुब विहार गोयला की मटियाला की विधानसभा की पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की दिल्ली की जनता ने अपना बटन चुनाव में कमल के निशान पर दबाया, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी ने अपने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करके दिखाया। इसका जो हक है ये केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं है, ये देश की एक एक जनता को इसका जो है फल जाता है। आज आपने देखा होगा 4 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में दिल्ली की सारी अनाधिकृत कॉलोनी, ये अनाधिकृत शब्द क्यों आया? क्या मैं अनाधिकृत हूं? क्या गोयला के लोग रहने वाले अनाधिकृत हैं? क्या कुतुब विहार में रहने वाले लोग अनाधिकृत हैं? इस देश में जहां पर बांग्लादेशी घुसता है उसको कांग्रेस वोट बनाकर उसको जो है अधिकृत कर देती है, जब दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसते हैं तो
तो आम आदमी पार्टी उसका वोटर कार्ड बनाकर उसको अधिकृत कर देती है, ऑथराइज कर देती है। मगर दिल्ली की कॉलोनी में रहने वाले 30 साल 40 साल 50 साल से रहने वाले आज भी लोग अनऑथराइज थे, आज भी लोग अनाधिकृत थे। बिहार से आए, यूपी से आए, राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, पंजाब के आतंकवाद की वजह से दिल्ली में आए, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा था, वहां के हिंदू कश्मीरी पंडितों को जो मारा जा रहा था, आज ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जहां पे कश्मीरी पंडित ना रहता हो, वहां के कश्मीरी पंडित दिल्ली में आए। जब ये देश में आतंकवाद चलता था दिल्ली में लोग आते थे, कैसे आते थे, कोई अपनी बहन का गहना बेच के आता था, कोई अपने बाप की जमीन बेचकर दिल्ली में आता था, कोई अपना सामान बेचकर दिल्ली में आता था, दिल्ली में गांव की जमीन पर कोई प्लॉट खरीदता था, वहां पर अपने खून पैसे की कमाई से मकान बनाता था, वहां पर कनेक्शन लेता था, बिजली का कनेक्शन मिलता था, रेड़ी चलाता था, मजदूरी करता था, मेहनत करता था, दिल्ली का विकास करता था, दिल्ली को आगे बढ़ाता था। मगर फिर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपको अनाधिकृत बना रखा था कि आप ऑथराइज नहीं हो, वोट तो डाल सकते हो मगर मकान कब टूट जाए पता नहीं, कब कोई सरकारी अधिकारी आ जाए सुबह सुबह नोटिस दे दे कि आज मकान टूटेगा। तो मेरा आदमी सोचता था मैं क्या करूं, मैं तो 40 साल से रहता हूं, मैंने तो अपना खून पसीने की कमाई से मकान बनाया, आज दिल्ली सरकार के लोग आकर मेरा जो है मकान तोड़ते हैं। केजरीवाल ने कहा था, आप ये सोचकर देखना, 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया, 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता 15 साल, मगर 15 साल में 15 तो छोड़ो, एक भी कॉलोनी पास नहीं हुई दिल्ली की, एक भी कॉलोनी 15 साल में। उस शीला दीक्षित को गालियां दे देकर केजरीवाल आया, कहता था शीला दीक्षित चोर है, शीला दीक्षित ने डाका डाला है, शीला दीक्षित ने चोरी करी है। केजरीवाल साहब आए, केजरीवाल ने कहा मैं एक साल के अंदर अंदर सारी कॉलोनियों को पास कर दूंगा। क्या 5 साल में एक भी कॉलोनी पास हुई? एक भी कॉलोनी पास नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। लगता था हट जाएगा, तो कश्मीर से धारा 370 किसने हटाया? किसने हटाया? मोदी जी ने। जोर से किसने हटाया? मोदी जी ने। साथियों, जब हम छोटे से बड़े हुए तो नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। तो साथियों, इस सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में केस को ठीक से फॉलो किया तो वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या में राम के मंदिर के निर्माण में इस लोकसभा के लोग अयोध्या परवेश जी के नेतृत्व में कार सेवा में भी जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, सभी सरकारें चर्चा करती थी अनऑथराइज कराने के लिए, अगर किसी ने काम किया तो उस व्यक्ति का नाम था साहब सिंह वर्मा। उसके बाद बहुत लोगों ने कोशिश करी हो और वो रिलीफ देने की एक कोशिश और सोच अगर किसी व्यक्ति में थी, उनका नाम था स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा। साथियों, राजेश गहलोत जी कह रहे थे किसी ने अटकाया, किसी ने लटकाया, किसी ने झटकाया, पर अगर दिल्ली की गरीब जनता को मालिकाना हक देने का किसी ने काम किया है तो वो किसने किया है? जोर से किसने किया है? किसने किया है? क्योंकि मोदी है तो है। मोदी है तो मुमकिन है। कहते हैं समय नदी की बाल जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बाल तूफान पवन पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर समय में लोग चक्कर खाया करते हैं, कई बार देखते ना केजरीवाल चक्कर खा खा के दिल्ली को चक्कर फैलाता है, अक्सर समय में लोग चक्कर खाया करते हैं, पर उसमें से कुछ नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जैसे हैं
जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास जोरदार ताली बजा लो साथियों। तो साथियों, जिसने हमें मालिकाना हक दिया, हमारा वोट किसको? हमारा वोट किसको? मोदी को। साथियों, अनेक बात ऐसी है जो प्रवेश जी, श्याम जी और मनोज जी आपके लिए बताएंगे, जो इस सरकार ने गांव के लिए, दलित के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए, उन सब लोगों के लिए इस सरकार ने करी। क्योंकि इस सरकार का मुखिया एक गरीब के घर में पैदा हुआ, जब देश का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उस गरीब की पीड़ा जानता है, और गरीब को, उस दलित को, उस पिछड़े को, उस महिला को, उस ओबीसी को उसका बेनिफिट देना जानता है। जानते हो साथियों, 2020 का चुनाव है, थोड़े बहुत कुछ फ्री के वादे ये सरकार हमारे सामने कर रही हो, पर साथियों 5 लाख का आयुष्मान बीमा जो गरीब की जनता को मिलता, वो अगर आज इस दिल्ली को नहीं मिल पा रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? कौन है? केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। साथियों 70.70 एजेंडे लेके गए थे, उसमें अनऑथराइज कॉलोनी का भी था, पर अगर आज अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलराइज हुई है, तो यहाँ के सांसद जब संसद में अपनी आवाज को रखते थे, शाम जी जाके जब केंद्र के मंत्री से अपनी बात करते थे और प्रधानमंत्री जी ने उस पीड़ा को समझा, तो आज दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के सामने से अनाधिकृत शब्द हट गया। आज जब से जब संसद में बिल पास हुआ, उससे पहले डीडीए की अथॉरिटी में पास हुआ, तो अब ये नियमित रेगुलराइज कॉलोनियां है, कोई आपको अनाधिकृत नहीं कहेगा। जब साथियों मोदी जी ने हमारे लिए इतना किया, और केजरीवाल घोटाले में सरकार, सरकार में घोटाला, कुछ नहीं पता, तो 2020 में हमारा वोट किसको जाएगा? साथियों जोर से एक बार, किसको जाएगा? हाथ खड़ा करके संकल्प लेकर किसको जाएगा साथियों? किसको जाएगा साथियों? कहते हैं पर्वत हिमालय को कोई झुका नहीं सकता, जमीन को कोई हिला नहीं सकता, सूरज को कोई फूंक मार सुखा नहीं सकता, और 2020 में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता साथियों, रोक नहीं सकता साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो मोदी है तो एक बार सभी बोलेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। सभी लोगों को एक विकास की करण दिखी, और एकदम जैसे ही कैबिनेट में पास किया, लोकसभा में भी इस प्रस्ताव को पारित करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज ये धन्यवाद विशाल जनसभा है। विशाल धन्यवाद जनसभा, इसको हमने मोदी जी के नाम से रखा है। आज हम इस सभा से मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। इस कड़ी में मैं भाई पवन शर्मा जी, जो यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद है और हमारे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य है, एक बार जोरदार तालियां बजाओ और अपना आशीर्वाद भाई पवन जी को दो, और मैं पवन जी से कहूंगा कि अपने विचार रखें। धन्यवाद विधायक जी। मंच पे उपस्थित हम सबके लोकप्रिय युवा, प्रदेश में महामंत्री और दिल्ली में संगठन का कोई भी काम की जिम्मेदारी जब दी जाती है, चाहे वो बूथ वाली जिम्मेवारी हो, चाहे अनऑथराइज कॉलोनियों का विषय हो, जितनी भी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है, ऐसे हमारे हम सब के मार्गदर्शक, हमारे प्रदेश के महामंत्री बड़े भाई कुलजीत चहल जी, और जितने भी विकास कार्य रुके हुए थे अपने एक साल के कार्यकाल में, चाहे वो द्वारका के जितने भी स्कूलों की बिल्डिंग है आज बनी हुई है, वो श्री राजेश गहलोत जी और श्री प्रवेश वर्मा जी के कार्यकाल में उनका उद्घाटन हुआ था, जिनका इस केजरीवाल सरकार के विधायक ने फीता काट कर अपने आप को शरण ले रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत ही जुझारू, लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे, एमसीडी के विभिन्न पदों पर रहे श्री राजेश गहलोत जी, हमारे डिप्टी मेयर श्री राजदत्त गहलोत जी, बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री और दिल्ली की तमाम अनऑथराइज कॉलोनियों के इंचार्ज भाई कुलजीत चहल जी पहुंच गए हैं। ऐसे नहीं भाई, कॉलोनियां पास कराने में बहुत बड़ा योगदान है, हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। इनसे आभार प्रकट करता हूं।
मित्रों, ये जब दो ढाई महीने का टाइम है, ये हम सब के लिए एक बहुत ही क्रूशियल टाइम है। और आप सब ने ये तय करना है कि दिल्ली का भला कौन कर सकता है। 5 साल के केजरीवाल के शासनकाल में आप सब ने देख लिया हमने कितनी यातनाएं सहन की है, जिस उस वाली गवाह है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, वो चाहे किसी भी पद पर हो, चाहे वो वोटर हो या सपोर्टर हो, उनको कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ती है ये भी आप सबसे छुपा नहीं हुआ है। ये यहाँ के विधायक और इनके कार्यकर्ता ये पता लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो पानी का टैंकर तक काट देते हैं। ऐसा शासनकाल तो अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं था। पूरे क्षेत्र में रोड और नालियां खोद के डाल दी गई है, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। ग्राम सभा की यहाँ पे जितनी भी जमीन है, माननीय सांसद प्रवेश वर्मा जी ने LG को लेटर लिखा था कि ये जमीन या तो आप DDA को दे दो, नहीं तो MCD के हैंड ओवर कर दो, इनमें डेवलपमेंट का काम हम खुद करेंगे। 5 साल के कार्यकाल में इन लोगों ने, जबकि SDM भानु प्रभा थी, वो दौरा भी करके गई और सारी चीजें फाइनल हो गई थी। यहाँ के विधायक ने बोला कि दिल्ली सरकार इसमें काम करेगी, वो 20 लाख रुपए का बजट का पास करवा के सिर्फ 2 या 3 लाख रुपए लगे, वो काम भी आज तक बंद पड़ा है। उत्तम बिहार फेज 2 हो चाहे श्याम बिहार हो, किसी भी कॉलोनी की हालत आप सबसे छुपी नहीं है। और भैया, मंच के ऊपर ये बात सार्वजनिक एक और करना चाहता हूँ कि उत्तम बिहार फेज 2 की जब डेवलपमेंट की बात आज से 1.5 साल पहले हुई थी, तो क्षेत्रीय विधायक ने ये रिटर्न में दिया था कि मेरे गले में जूतों की माला पहना देना, अगर मैं वोट मांगने पक्के रोड और नाली नहीं होगी तो मैं वोट मांगने आप सबके बीच में नहीं आऊंगा। और वो रिटर्न प्रूफ हमारे पास आज भी है। मैं मीडिया बंधुओं से भी एक रिक्वेस्ट, अगर वो चाहे तो हम उसको दिखा भी सकते हैं। तो ये तय आप सबने का तय करना है कि आने वाले 2 महीनों में आप किसको चुनोगे। 2-3 महीने का लालच देकर ये फिर सत्ता में आना चाहता है, सब कुछ फ्री कर देगा तो उसके बाद ये निकालेगा किस में से? हमारी टैक्स की गाड़ी कमाई से ही तो पैसा जाएगा। महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करना 5 साल तक, तो अभी हमारे बीच हमारे सबके लोकप्रिय सांसद भाई प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी आए हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा एक बार खड़े होकर सभी और तालियां बजाकर अपने सांसद महोदय का हम जरा जोर से तालियां बजा के ये बता रहे कि सांसद जी को कुतुब बिहार में चावला वार्ड में यहाँ ये इनका शानदार तरीके से स्वागत हुआ है। जो कॉलोनी पास की है मोदी सरकार में, उनमें हमारे सांसद जी का बहुत अहम रोल रहा है। कृपया एक बार सभी अपने मंच स्थान ग्रहण करेंगे। मैं कह रहा था भाई, जितने भी डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, 2 कड़ियां आपने जोड़ रखी है, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, बीच की कड़ी जो हमारी कॉलोनियों में विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो आप सब एक बार और जोड़ दीजिए। इन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में ये कह के निकाले कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें काम नहीं करने देता, LG साहब हमें काम नहीं करने देते। तो ये 6 महीने में ऐसा क्या आ गया जो इनकी सारी अटकलें खत्म हो गई और ये काम करने लग गए? तो ये फिर अगर सत्ता में आ गए तो 4-4.5 साल फिर यही ड्रामेबाजी में निकाल देंगे। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह है, ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक आपको उनके भेज दे देना। ये आपका बेटा, ये आपका भाई 24/7 आपकी सेवा में लगा रहता है। ये 2.5 साल के कार्यकाल में आप सबको पता भी है, ज्यादा कहने की मैं जरूरत भी नहीं समझता। और मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अगर यहाँ से विधायक आएगा, माननीय सांसद जी विधायक जी हो, हम तीनों मिलकर आपके क्षेत्र का एक एक काम सुई से लेकर और ऊपर तक के जितने भी काम होंगे हम करने के लिए तैयार बैठे हैं, उसमें कोई इफ एंड बट का विषय नहीं रहेगा। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि आप जितनी भी 1731 अनऑथराइज कॉलोनियां पास कर रहे हैं, इसमें भी ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि जब तक रजिस्ट्री हाथ में नहीं आएगी तब तक मालिकान हक कैसे हो गया। तो साथियों, ये आप सबको पता होना चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। ये अनऑथराइज कॉलोनी का तो एक बहुत छोटा सा विषय है। जब 370 राम मंदिर 3 तलाक जैसे विधेयक पास हो गए तो ये अनऑथराइज कॉलोनी क्या मायने रखती है? तो आने वाले समय में
अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाईचारे में, जहां जहां हम सब रहते हैं, पूर्ण बहुमत से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने कर अपनी आहुति देने का प्रयत्न करना और इन झूठे मक्कारों से सावधान रहना। आपने दिल्ली का भविष्य तय करना है। ये जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मात्र शक्ति नौजवान साथी खड़े हुए हैं, मैं सबसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि एक बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, फिर आपको किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। हर सभा में मैं इनकी भाषा सुनता हूँ। संजय सिंह जी भी आए थे, दलीप पांडे भी, गुलाब सिंह भी, ये कहता है कि 93 से 98 तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दिल्ली को 3 मुख्यमंत्री दिए गए। 98 से 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी और 5 साल हमारी सरकार रही है। 5 साल हमारी सरकार रही है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 93 से 98 में कुतुब विहार में संख्या कितनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन कॉलोनियों को बसाने का काम किया तो उस टाइम पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री साहब सिंह वर्मा जी एक अनऑथराइज कॉलोनी की फाइल लेके खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उस टाइम पर उसी की वजह से अनऑथराइज कॉलोनी बची है, नहीं तो कॉलोनियां रहती ही नहीं। 93 से 98 में कुतुब विहार में मुश्किल से 100-150 घर होंगे। उस टाइम पर डेवलपमेंट कहां करती पा सरकारें। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, समय का अभाव वक्त बहुत ज्यादा है, कि आने वाले समय में यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुन के भेजना और फिर जो भी काम हो आपका, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं भाई, किसी भी टाइम आ जाना। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये काम हमारा नहीं है। चला गया ऐसे मखोटे वाले केजरीवाल का आज भंडाफोड़ करने के लिए ये भी सांसद सभा का आयोजन किया। जो सिद्धार्थ जी भजन गाएंगे और शुभम शर्मा जी तबला बजाएंगे उनके साथ। दोनों सगे भाई है, एक 7वीं में है, एक 9वीं में है, बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका में पढ़ते हैं। एक भजन आपके बीच में रख रहे हैं। रखो जोरदार तालियों के साथ। एक्सटेंशन से एचएम शाह अंकल जी आए हैं, उनसे भी निवेदन है। उत्तर बिहार से हमारे पवन भाई भी हैं, त्रिशूल कॉलोनी से श्रीवास्तव अंकल जी, तरुण भूटानी और ओम प्रकाश चौहान करके वो भी है, गणेश कुमार महामंत्री, उत्तराखंड रामलीला सांस्कृतिक मंत्र, अपना यूपीएस मंत्र, पूर्वांचल दुर्गा पूजा समिति, इन सबसे भी निवेदन है कि हम आए और सांसद जी का स्वागत करें। बेबी और रीना और दिनेश कुमार किसान मोर्चे से हमारे साथ साथ उतरते रहे भाई, मंच भी जो है ना गड़बड़ा जाएगा।